फिल्मों और टीवी सीरियल में हीरो बनने की चाहत में एक युवक ने अपने ही अपहरण की स्क्रिप्ट लिख डाली और अपने घर वालों से 6 लाख की फिरौती की मांग भी की, लेकिन पुलिस के सामने उसकी एक्टिंग और स्क्रिप्ट फेल हो गई। आपको बता दें कि युवक बहलौलपुर में किराए के मकान में अपने भाई के साथ रहता है। विजय गार्ड की नौकरी करता था और अचानक लापता हो गया, जिसके बाद विजय के भाई को मोबाइल पर अपहरण होने का मैसेज आया। मैसेज में विजय का बंधक बना हुआ फोटो भी था और उसे छोड़ने के बदले में 6 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। वहीं युवक के भाई ने इस संबंध में थाने में आकर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद थाना प्रभारी ने टीम बनाकर मामले की गहनता से छानबीन करने के आदेश दिए और युवक को पकड़कर उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया गया। वहीं डीएसपी ने बताया कि युवक गार्ड की नौकरी से परेशान हो गया था। उसे बचपन से ही फिल्म और नाटकों में अभिनय करने की इच्छा थी और वो मुंबई जाकर टीवी सीरियल में अभिनेता बनना चाहता था। अपने सपने को पूरा करने के लिए उसे मोटी रकम की जरूरत थी, इसीलिए उसने खुद के अपहरण की कहानी रच डाली। कल दिनांक 15 जून 2019 को उदयपुर द्वारा थाना फेज 3 पर सूचना दी गई कि कल शाम से उसका भाई विजय लापता है और उसके दोनों नंबर बंद आ रहे हैं। ये सूचना के आधार पर थाना फेज 3 पर विजय की गुमशुदगी पंजीकृत कर उसकी तलाश प्रारंभ की गई। देर रात शिकायतकर्ता के द्वारा यह सूचना दी गई कि गुमशुदा के मोबाइल फोन से ही व्हाट्सएप पर 6 लाख रुपये की फिरौती की मांग की जा रही है। यह सूचना प्राप्त होती है जनपद के सर्विलांस टीम स्वाट टीम और थाना फेस थ्री की पुलिस को संयुक्त रूप से लगाया गया। सर्विलांस की मदद से आज शाम को अपहरण की सक्षम बरामदगी की गई है। पूछताछ में पाया गया है कि गुमशुदा का अपहरण किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया था, बल्कि वह स्वयं ही अपने अपहरण की झूठी सूचना देकर 6 लाख रुपये वसूलना चाह रहा था। फिलहाल पुलिस ने सर्विलांस के जरिए सेक्टर 22 में युवक को दोस्त के घर से मौज मस्ती करते हुए दबोच कर उसके अरमानों पर पानी फेर दिया। अब पुलिस को गुमराह करने के आरोप में युवक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए नोएडा से आकाश गर्ग की रिपोर्ट।